दोस्तों, ये वही पोली हाउस है जिसमें पानी भरा था और आपको लास्ट टाइम दिखाया भी गया था क्या स्थिति हो गई थी। उसके बाद आज की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे। खीरा मैक्सिमम हमारा आ चुका है और 2 दिन बाद खीरा टूट के इसका मार्केट जाएगा। जो दूसरा पोली हाउस है उसको भी अभी दिखाऊंगा। उसका खीरा 2 बार हमारा मार्केट में जा चुका है। अब रेगुलरिटी में खीरा आने वाला है और मैक्सिमम खीरा हमारा दोनों पोली हाउस में आना स्टार्ट हो रहा है। तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी क्योंकि जून जुलाई में जो बारिश आई जुलाई में, उससे काफ़ी परेशानी हुई, पर उन सब परेशानियाँ ख़त्म हुई और जो हमने मेहनत के साथ काम किया था उसकी सफलता बिल्कुल मिली है। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से हमने इस क्रॉप को चलाया है इस मौसम में, वो भी पोली हाउस के अंदर। काफ़ी लोग कहते हैं अनबिलीवेबल है, नहीं चल सकती इस मौसम में, पर हम लोगों ने इसको कामयाब करके दिखाया है। आप देख सकते हैं 2 दिन बाद से खीरा हमारा टूटना यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। और सभी को पता होगा शुरुआत के दिनों में खीरा 1 या 2 बार जब तोड़ते हैं तो कम निकलता है, उसके बाद अच्छी ग्रोथ के साथ खीरा पर डे के हिसाब से हमारा निकलना शुरू हो जाता है। जो दूसरा पोली हाउस है उसका खीरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में किस तरह से वो अब ग्रो कर रहा है और मार्केट में वो रेगुलर बेस पे हमारा जाना शुरू हो गया है। ये देखिए, वाला जो बेड है ये हमने बाद में पौध लगाई थी और ये भी अच्छे से हमारी सारी पौध चालू हो गई है। कुछ पेड़ इसमें वायरस के हैं, जैसे ये है तो इस पे खीरा भी आ रहा है, तो खीरे का लालच बिल्कुल नहीं करना है और इन पेड़ों को उखाड़ कर हाथों हाथ बाहर फेंकना है। तो आज शाम को हमारे टीम के लड़के जो पेड़ वायरस से मिले हुए पेड़ों को भी ख़राब कर देता है, तो उनको सबको हटाने का काम करेंगे। ये सारे बेड बाद वाले हैं, इसमें भी अच्छी जनरेशन शुरू हो गई है। और इधर के पूरे पोर्शन में आप देख सकते हैं अच्छा खीरा हमारा आ रहा है। अभी मैं आपको दूसरे पोली हाउस का खीरा दिखाता हूँ जो मार्केट में हमारा जा रहा है। आज भी गया है, 2 दिन पहले भी गया था और परसों से रेगुलर बेस पे वो खीरा हमारा जाएगा। अभी आप जब देखेंगे उस खीरे को तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये दूसरे पोली हाउस का खीरा है जो टूट के हमारा मार्केट में जा रहा है, आप देख सकते हो। मैक्सिमम खीरा इस पे आ रहा है और ये देखिए, परसों से दोनों पोली हाउस से हमारा खीरा रेगुलर पेस पे जाना शुरू हो जाएगा और इस पे ज़्यादातर सभी जगह खीरा है। आप देख सकते हैं, आगे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, दूर का मैं दिखा पा रहा हूँ। तो बहुत ही मुश्किल हालातों में क्रॉप हमने चलाई है क्योंकि बहुत पानी दोनों पोली हाउस में भर गया था। जब स्टार्टिंग में ही छोटे छोटे हमारे पेड़ थे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना इसमें हुआ था, पर अब जो है सारी परेशानियों से दूर होके हमारा खीरा मार्केट में जाने लगा है। एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हमारे लिए हो गया है। और देखिए कितना अच्छे तरीके से खीरा आ रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, गुच्छे के गुच्छे खीरे के हमारे आ रहे हैं।
और नीचे का की रास्ते टूट के मार्केट में जा भी चुका है। तो दोस्तों बस मेहनत की बात है और ध्यान देने की बात है। शुरुआत में हमने बहुत ध्यान दिया, जिस समय सारी चीज़ें हुई, समय समय से स्प्रे किए गए, फंगस के वाइट फ्लाई आ गई थी उसके, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा, खाद का ध्यान रखा, सफलता के साथ जो है कीड़े हमारे आए। तो दोस्तों आने वाले टाइम में सारा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, जो एक्सपीरियंस मिला है उससे, वो किसी न किसी के काम ज़रूर आएगा, और हम मेंटली प्रिपेयर हैं आने वाले टाइम में भी इस सीज़न में हम खीरे को लगाया करेंगे। पूरी नॉलेज आपको आगे भी मिलती रहेगी, और भी काफ़ी फसल होगी। जल्दी शिमला मिर्च की नॉलेज आपको देंगे, जिसकी पौध हमारी लगनी शुरू हो गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारी जानकारी आपको मिलेगी। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें।